आवाजें आ रही हैं। अब तो बाढ़ है क्या वो? वेलकम बैक गाइज। हम लोग पजल सॉल्व कर करके जैसे तैसे इस बहुत सारी पिक्चर्स वाले कॉरिडोर में पहुंच गए थे और अब बस हमें सामने जाना है। यहाँ पे उस बंदे ने हमें पकड़ लिया था दोबारा। वो एक एनिमी के जैसे काम करता है, वो गोस्ट नहीं है, वो एक्चुअल में मार देता है हमें। ओके, दोबारा ब्रिक्स। अभी वो ड्रामा आएगा, दिल कैड़ा कर लो सारे। नहीं, ओके अब आएगा आएगा आएगा, ट्रस्ट मी, शोर मचेगा। व्हाट, अभी आएगा, सब इंतजार कर रहे हैं, आजा भाई। क्या गया, बहुत शोर, ओ माय गॉड। अब ठीक है, अब आ गया ना वो, अब तू शोर मचाता रहे। शोर यार, एक यार, एक एटिक खोलूं कैसे? पर मैं एटिक खोलने के लिए मेरे को कुछ चाहिए भी तो सही। मेरे को क्लियरली एक क्रोबार चाहिए, पर वो मिलेगा कहाँ से? टेलीफोन, ये सच में बज रहा है या फिर से वैसी? John, this is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for, and the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. Speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. Seven? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? ये कैसे कैसी मरियल सी आवाज है? Is that what she's after? तो इसने मेरे पापा को फोन किया, इस प्रीस्ट ने, तो वो मेडिसिन मेरे को कंट्रोल कर रही है कि मैं अपनी वाइफ और चाइल्ड को मार रहा हूँ। कहीं ये कॉम्बिनेशन ये घड़ी वाले रूम में तो नहीं है? हो सकता है। ओ, इसके राइट में ना ये जी को 6 बना रखा है, तो राइट 6 है और लेफ्ट 5 है आई थिंक, ये है कॉम्बिनेशन। ये कंफ्यूज करने के लिए पेन से काटा हुआ है, वरना इसमें तो कुछ नहीं हुआ, इसमें भी कुछ नहीं हुआ। ले, यू नो व्हाट, फक इट, मैं देख रहा हूँ क्या सीन है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अबे यार बताओ, ये कैसे ही दिखे यार, बताओ, हद ही है सही में। सो इस रूम में कोने में कुछ है, अब यहाँ पे कैसे ध्यान चला जाए बंदे का? ये कॉकरोचेस, फक द कॉकरोचेस, मेरे को इनको फॉलो करना है। भैंस की तुम पागल लो। मुझे या कॉकरोचेस सबसे बड़ा हिंट था शुभम गेम में। ओके, की आई थिंक देयर इज समथिंग एल्स अंडर दैट प्लैंक। बेसमेंट दोबारा, ओके आई गेस मेरे को इस बार क्रोबार वगैरह मिल जाएगा। लाओ भाई, कहाँ पे है? सही बताऊं तो बेसमेंट में जाने का कोई मन नहीं है भाई। ओ, अब इस बार तो ये डिफरेंट है थोड़ा। द क्रोबार इज इन द बेसमेंट। ओ गॉड, ओ गॉड, व्हाट द हेल इज दिस प्लेस? बड़ा हो गया बेसमेंट। अभी अंधेरा और कर देंगे कि मेरे को लाइट जलानी पड़े हैं? अबे जाना कहाँ है, क्या हो रहा है?
फोटो खींचनी है मुझे इसकी। ओ, मुझे उसको ढूंढना है जो ये आवाज आ रही है। कोई भग के आएगी वो? ये मुझे क्रोबार ढूंढना है। ओ गॉड, इधर से आ रही है उसकी आवाज ड्रामे की। हाँ? मुझे पता था हराम कोरनी। अब यार ये ऐसे डराती रहेगी भाई, ये क्या बात हुई? मेरे को क्रोबार मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तेरी माँ भाई, ऐसे डराएगी तो कैसे काम चलेगा? मैं करूँ क्या यहाँ पे? हेलो, वो डराती रहेगी जब तक मैं क्रोबार नहीं ढूंढ लेता आई थिंक। ओ माई गॉड भाई, बताओ यार हद है। अबे मेडिसिन, अगर तू यार हेल्प ही चाहती है मेरी कि मैं तेरे लिए मर्डर वगैरह करूं जैसे, तो भाई डरा क्यों रही है मुझे? भाई गॉड की कसम, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा भाई। ये तो पागलों की डराने लग रही है बस ये, लाइक मैं करूं भी तो करूं क्या, कहां जाऊं? जब मर्जी तो वो धुम करके आती है, तो वो चीज थोड़ी गड़बड़ है। मैं थोड़ी कम कर रहा हूँ वॉल्यूम, वो डरा रही है भाई सही में। ऑल राइट, तू ये करना बंद यार भाई। फक यू, इधर यहाँ कुछ है ही तो नहीं। वही तो बात है, कुछ है ही नहीं। कहाँ मर रहा है ये क्रोबार? इस बल्ब का क्या सीन है? ओ ऑफ, मैं प्रेस कर रहा था पहले तो कुछ नहीं हुआ। तू पागल है भाई? ओ ये रहा क्रोबार, लेट्स गो। फक यू, डरा दिया भाई दुनिया भर का। अरे समझ गए, आई डोंट नो कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जाना है मुझे? ओह हेलो, मेरे को लेके जा। हाँ, तुक्का मारना है मेरे को। वो इजी, बाप रे। ओके अभी क्या? अबे यार ये क्या जगह है भाई सही में। ओ फाइनली, खोलो भाई, खोलो गेट, खोलो, मुझे जाने दो। बहुत डरा दिया भाई। She doesn't show in the photos. Somehow the photos of her. ब्लैक हो जाती है ना? They burn? अरे I don't care भाई, हमें क्रोबार मिल गया, I am happy. हाँ ये है ना उसकी फोटोज, तूने ये फोटोज खींची कब बे? ओके अब क्योंकि हमारे पास क्रोबार है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो कमरे में ही चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या सीक्रेट है। लाओ भाई, अभी होंगी पजल सॉल्व दबा के। डायरी वाली रिंग। Oops. God. My eyes burn. God. So iske sath bhi wahi ho raha hai. I need to get out of this fucking house. Ek second. Ooh, what the fuck? Ye kya hai? Chair. Jahan jahan crowbar use ho raha hai, main sari jagah laga deta hu ise. I guess mere ko ye ring leke wo chair pe jana hai ab. के इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओह कैसे, डू नॉट लिसन। आई विल डेफिनेटली लिसन। जो चीज मेरे को मना कर दो हॉरर गेम में करने के लिए, वो तो मैं जरूर करूंगा। ओके इसे चला देते हैं। Anyone. Ooh. Not even Albert. Where did these come from? If you are listening to this, Blue Knees is real. Blue Knees? I know I'm not sick. And I know I don't have much time left. The fucking thing. I can feel it breathing right behind me. Singing that fucking song. Oh
over and over and over and over and over in my head. Oh, Boonies is behind and will find. Behind? What he's been looking for. For so long. All alone. Where he belongs. ब्लू नीज का क्या मतलब हुआ? घुटना? ब्लू नीज इज बिहाइंड एंड विल फाइंड व्हाट ही हैज बीन लुकिंग फॉर. ब्लड वाली वो बॉडी एक्सचेंज जेम्स विद यू. व्हेयर ही हैज रिटन दिस सॉन्ग. आई नीड टू पुट एन एंड टू दिस जस्ट फॉर यू. अच्छा तो ये रिंग ले जाएगा. बॉडी पार्ट्स. Two bodies, a guest and a host. Human ashes. तो क्या मैं ये कोई ritual करना है somehow? मुझे चाबी तो मिली है एक. Oh, I guess ये दूसरी वाली चाबी है, समझा. तो अभी इसका मतलब मैं ये वाला gate खोल सकता हूँ. Let's go. Ritual door है. Hello. Ooh. This is from Grandma's diary. I hate when Albert spends the night working. Once it gets dark, it's like the world turns upside down. There are creaking noises all over the house, and the house, I know my sight is getting worse, but yesterday I got lost on my own home. And it's not because of my sight. The rooms are moving around. I couldn't even find my own bedroom. We are not safe in here, not anymore, not with the thing living among us. Albert got mad at me for lighting candles up all over the house, but for some reason I think light protects us. Light bachati hai in logo ko. There must be something useful here. ये डन. वार्निंग भी लिखी हुई है और उस पे एक ओ गिव मी दैट. अभी हो रही है ना दबा के पजल सॉल्व. एक चीज रह जाती है बस, वो जमीन का पैनल दे दिखा मेरे को और मैं पूरे घर में 5 बार घूम लिया, कोई प्रोग्रेस नहीं. डन. बट इसका करना क्या है? अच्छा इसमें बॉडी पार्ट्स हैं क्या? फोटोज हैं. ऑल राइट. 4 फोटोज इसमें हैं, 2 हमारे पास हैं. आई डोंट थिंक इसका और कोई यूज है. डन. चलें ऊपर. अब हमारे पास बोल्ट कटर है, विच मीन्स हम लोग बाथरूम में जा सकते हैं. ओ एक सेकेंड, हम यहाँ पे भी जा सकते हैं. इसको भी काट के देखते हैं क्या है इसमें. कुछ काम का मे ओ डर गया था मैं थोड़ा सा. अरे ये तो सिर्फ ये है. व्हाट अ वेस्ट ऑफ माय टाइम. लाओ भाई इसे खोलो. ओए वाओ, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने. ये भी बंद हो जाएगा? नहीं हुआ. डू नॉट यूज लिखा हुआ है भाई इस पे. ओह गिव मी दैट. आई एम कैरिंग टू मच ऑलरेडी. आई एम कैरिंग टू मच बोल रहा है ब्रदर. डू खोलो इसे. क्या मेरे को फोटोज, मेरे को तो बॉडी पार्ट्स रखने होंगे ना अगर मेरे को करना भी होगा तो. ये मेरा यहाँ पे है वो. हाँ नाइस. इसमें विक्टिम्स की फोटो ही है, ये भी रख देता हूँ. ओके डन. ओह ये भी बंद हो गया. स्कैरी है क्या? How many times do I have to tell you there's nobody in this house? Al? I'm done with your bullshit. Albert, listen to me. Just a book. A fucking book, Elizabeth. See? There's no one here. It doesn't exist. It's not real, goddammit. I know. Everything that's happening to me has something to do with it. I just know it. It's a disease, Elizabeth. You were sick for the Lord's sake. Not sick. You'll end up losing your mind if you don't cut the crap. That book has nothing to do with your illness. I wish you stopped acting like a child. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing Enough, this for me. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert,
Everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. You're sick. Don't believe me. I will leave this place. I'm done. And I'm taking Johnny with me. We are not staying here. Wait a minute. This is way too much. You're paranoid, Ellie. It's 4 a.m. Just go back to bed before we wake up Johnny. Come on. We can talk about this. You're gonna regret this. You'll end up all alone. Just you and your stupid fucking clock. क्लॉक क्लॉक का सीन था क्या अभी? ओ ओ गॉड यार, तुम डराओगे तो सही, मुझे पता था। फोड़ो फोड़ो फोड़ो, सही है, फोड़ दो। हो गया, डरा लिया। ये है भी क्या चीज, पत्थर लग रहा है बस, कंक्रीट ब्लॉक ही है। वाह, यहाँ का कुछ लफड़ा है क्या? अ सेंटिमेंटल ऑब्जेक्ट में तो रिंग आ गई। 7 सैक्रिफाइस चाहिए, एक बॉडी और होस्ट, ह्यूमन एशेस। ओ अच्छा, तो मेरे को यहाँ पे रखनी है वो चीजें। ऑल राइट, तो सेंटिमेंट में तो ये आ गया। डैम, ऑल राइट। ओ स्कल, या बॉडी पार्ट आ गया। वेट, तो अब मेरे को विक्टिम की फोटोज रखनी है। उसके लिए तो आई थिंक दोनों गले लाने पड़ेंगे मेरे को। एक सेकंड आया मैं, मुझे नहीं लगता ये फोटोज रखनी है मुझे, पर श्योर। फोटोज लेते हो भाई तुम लोग? ये एंड ये, ऑल राइट, शुरू करो प्रोग्राम। ओ ला, होस्ट भी तो चाहिए ही ने, तो मैं बनूंगा वो। ओ गॉड, फोटो खींचूं? ओ कुछ हो रहा है। ये आई नीड टू फाइंड द 4 डिजिट्स टू ओपन दिस डोर। मेरे को 4 डिजिट्स ढूंढने पड़ेंगे। अबे हाउ द फ्रिक, आ कॉकरोच, ओ गिव मी दैट। पहले टेप को ही फॉलो करते हैं, फिर आई गेस। John, I must stress to you how dangerous these demons really are. Mm-hmm. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. Okay. Badhiya. They contain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power, gives them strength. When one of them becomes attached to one of us, it's all but impossible to stop. They play with our bodies and minds. Does this mean that until they find what they were looking for, that woman is attached to the camera? They're no longer human. Attached to me? They are beyond everything we know. John, I implore you. She's no longer human. Seek help. I'll investigate that woman you told me about, Madison Hale, and I'll get back to you as soon as I find something. Keep all of this information away from your son. Get rid of that camera as soon as you get this message, but please, please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are in jeopardy. Chanel. What have I done? इसकी आवाज कितनी अनोइंग सी है भाई। I need to find a way to end this. तड़सा हो रहा बिल्कुल। It burns. No. It burns. My body burns. Horns. अब ये horns का मतलब क्या हुआ? Oh, I think I've seen something like this in the house. I don't remember bhai aisa kuch dekha ho maine. Ah, I know. Ab paranormal activities hone lagi ha. Yeah. Oh yeah. Okay, 8.
8. Oh. No. Not again. No. Fuck. I can't feel my fingers. What is happening to my body? You are in the possession. Bhai, gate band ho gaye. Oh, bulb. I don't know what this could mean. It's a bulb. There was a red light, but everything was dark. Ah, that's why. Ab mere ko power cut karni hai. All right. देखा ऐसी ये चीजें ये तो समझ में आ जाता है भाई, अब वो जमीन का पैनल ही ना मिला तो मैं क्या करूं? मैं फॉलो कर रहा हूँ उस भूतनी को भाई, और क्या करें? तेरे पास और कोई चारा है तो बता तू। The doorbell. The doorbell? I gotta get to the front door. All right. इस तेरा फ्रंट डोर है भी कहाँ? मुझे तो पता ही नहीं है। मैं आ रहा हूँ चाचा, रुक जा। इधर है क्या? ओ माई गॉड, दिख ही नहीं रहा मेरे को कुछ। मैं बस जाने लग रहा हूं। मैंने कैमरा इसलिए नहीं चलाया क्योंकि उसका ड्रामी का कोई भरोसा नहीं है। ओह हेलो। Hammer. Yay. Break Fletcher. Wait, so मेरे को ये इसके victims हैं? Alfred Miller, 27 year old man. So ऐसे? Something is moving. What? Oh. ये मूव कर रहे हैं। मे बी मेरे को पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाना चाहिए। So far, his left leg and three fingers have not been found. The first victim was her own 75-year-old father. 75-year-old father. So इनमें से ना कोई भी नंबर 75 years मैच नहीं कर रहा। हाँ, और इसमें सिर्फ 1987 लिखा है, इसमें स्टार्टिंग बर्थ डेट नहीं लिखी, विच मीन्स ये 75 ईयर्स होगा, इसीलिए ये नंबर वन पे आ गया। आई गेस मेरे को नंबर्स मैच करने हैं बस। ओह गॉड, कितनी अंधेरा है यहाँ पे। ओह गॉड, इधर आइयो माँ। मुझे पता था। चली गई वो। ये तो 71 ईयर ओल्ड है नहीं, इसमें 1987 लिखा है बस। इसका क्या सीन है? वो तो चला गया भाई। Rip my love, 1952. एक मिनट, यही होगी, मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये वाली तो वैसे भी नहीं है। इसमें 2001 लिख रहा है, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि 2023 तो अभी चल रहा है, वही होगी। All right. लास्ट पे चलो फिर अब। Oh God. क्या? There are no numbers on this one. समझ गए भाई, आए आए। Oh wait, I think second वाला गलत है। ये तीनों सही हैं, second वाला गलत है। यहाँ पे होना चाहिए ना ये। Oh God, nice, बढ़िया। हाँ ये इसकी वो है ना मदर। एक मिनट, 71 ईयर ओल्ड, ये तो डेफिनेटली नहीं है, तो इसका मतलब ये।
यही लग रही है। हाँ अभी आ गया ना लाइन पे तू, ड्रामे ऊपर लेके चल मुझे। पजल सॉल्व्ड। ये गिव मी दैट, बाय। अब डराते रहो, मैं तो चला, गुड बाय। मैं पीछे मुड़ के देखने भी नहीं वाला, डराते रहो, बाय। इधर नहीं, ओके। तो मुझे अब ये देखना है बस कि कौन सा, मैं कैमरा नहीं चलाऊंगा बिल्कुल भी ना, मुझे पता है तू डराएगी ड्रामी, चलाऊंगा ही नहीं मैं चलाऊंगा नहीं तो तू आएगी नहीं। ऑल राइट, कौन सा गेट ब्रो? आई शुड टर्न द पावर बैक ऑन फर्स्ट। ओह ओके, देयर इज नो नीड टू कट ऑफ द पावर राइट नाउ। व्हाट, चला पहले। हां नाइस, बाथरूम में पंगे हो रहे हैं पर इग्नोर करते हैं उसे। फाइनली भाई, दवा के प्रोग्रेस हो। ओ ऐसे मत कर अगर तू पागल। फ्रीकिंग क्लॉक्स, माय बॉडी, माय हैंड्स, दिस इज व्हाट द प्रीस्ट वाज टॉकिंग अबाउट। That thing is feeding off of me. Okay. What the Ooh. Fuck does this even mean? Tick tock. The house is full of clocks. 12:25 हो रहे हैं भाई इसमें। 12:25 वाली घड़ी कहाँ है? इन घड़ियों में सेम टाइम हो रहा है, एंड देन इन घड़ियों में, एंड देन इन घड़ियों में, पर इन वालियों में डिफरेंट है। व्हाट, ओह इधर कुछ है, एक सेकेंड। बोल्ट कटर खोलो भाई, दिखाओ यार। हाँ, 3 left 12 right ही होगा। तो फिर आई थिंक अभी सॉल्व नहीं कर सकते इसे, ऊपर चलते हैं। लगाई था मुझे हराम जादी, लगाई था मुझे, मुझे पता था आने वाली है ये। जी कैडा करके बैठा था मैं पूरे टाइम। भाई साहब डराती रहेगी क्या अभी आके? क्या पता ये G6 हो ही ना, क्या पता ये राइट ही है। तो 3 left 12 right and 5 left, क्या पता ये है पासवर्ड। यस, मुझे पता था, I'm so smart। ओके, क्लॉक मिली है तो एक, एंड ओ माय गॉड इतना बड़ा लेटर। जॉन माय सन, आई एम एन ओल्ड मैन ऑलरेडी एंड लाइफ हैज पास्ड ऑफ ऑल ऑफ अस। आई एम सो प्राउड टू सी द मैन यू हैव बिकम, सो हैप्पी टू हैव डीपली एंजॉयड द 2 grandchildren दैट यू गेव मी, ल्यूका एंड चनाल। I write this letter so that one day you can understand everything that's going on in my mind right now. Debunk the myth that I'm a crazy old man. God does exist, and just like him does Satan. All my life I tried hard to not believe, but time has shown me I am most profoundly mistaken. Your mother was not sick at all, and I couldn't prevent her sad ending from happening. As far-fetched as it sounds, blue knees is real. ये भी बावला हो गया था। Not a single specialist was able to trace down the cause of her condition, not to mention find a treatment to help fight. I truly wish I could go back in time and tell her I believe you. Go back in time? I've kept trying to contact her for over 15 years. I just want you to speak with her just one last time. Soon we'll meet again and beg her to forgive me. This loneliness reminds me day after day how hard it is to get to live without my most precious beloved person in the world. At least I can see her face in every room of this huge house. Regarding the book, I tried to burn it, tear it, bury it, but there's no use bothering. It somehow manages to get back. Anyway, I now keep it in my possession under locks and keys. I will not allow history to repeat itself. Thank you for being the son I've always dreamed to have. Love your dad, Albert Maxwell. तो इसे भी अपनी वाइफ पे भरोसा हो गया था कि सही में उसे कोई बीमारी नहीं है, वो बावली हो गई है बिकॉज ऑफ अ गोस्ट और समथिंग। ब्लू नीज इज रियल, उसका तो पता ही नहीं भाई। बाकी इसके पास
वो बुक है एक लॉक में छुपा के रखी हुई है उसने। इसका पासवर्ड नहीं दिया, पर इसने आई गेस जब ये क्लॉक्स को खोलेंगे हम इसमें पासवर्ड मिलेगा हमें वो लॉक का। ओके हमें क्लॉक मिल गई, वी आर गोइंग बैक। आई मीन पहले इधर देखते हैं। ओ यहीं लग गई है तो। अरे वाह, व्हाट? ओ अरे वाह, ये क्या बात हुई? ये होना सही था? आई मीन क्या हुआ? मेरी जो पिक्चर में जो बुक है, पिक्चर में जो बुक है, आई गेस मेरे को 12:30 का टाइम चाहिए, 12:25 का ये वाली वो चाहिए मेरे को। आई डोंट नो, जाके देखते हैं जिसमें भी वो 12:30 का वो मिलेगा श्योर। ओ यार मैं बंद कर लूँ इसे भाई, वो बीच में आती रहती है ड्रामी। अब इन्होंने वैसे रैंडम जंप स्केयर्स देना चालू कर दिया है एंड आई डोंट लाइक इट। वो जब मर्जी करके शोर मचाती है पागल। देखा देखा देखा, मुझे पता। ओह माय गॉड यार कितनी अनोइंग है तू। ओके सो ये है ना 12:25, इसमें लगाते हैं ये वाली, दो मुझे। तो अब इसका क्या, ये मैं कहाँ लेके जाऊं? ओ व्हाट, वही तो बात है ना, इससे मेरा क्या फायदा? ओ नहीं एक सेकेंड, अच्छा मुझे ये टाइम मैच करना है इनका, मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसमें 1:30 बज रहा है, वो उसकी भी चाहिए फिर मेरे को, व्हाट? तो कौन सी घड़ी नहीं है यहाँ पे? जैसे इसमें 8:20 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं किसी में? नहीं, 8:20 किसी में नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये वाली घड़ी यूजलेस है हमारे लिए। मुझे मतलब है 11:55 से 1:30 बजे, 7:45 और 4:20, ये 4 टाइम चाहिए मेरे को। अभी मेरे पास जो घड़ी है उसमें कितना बज रहा है? 8:20, ये वेस्ट है। और इसमें क्या बज रहा है? ये भी वेस्ट है हमारे लिए। तो मेरे को घड़ियों के पास जाना पड़ेगा भाई दोबारा, वो लेके आता हूँ मैं इम्पोर्टेंट घड़ियाँ। अरे यार ये बेवकूफ बीच में आती रहेगी डराने के लिए। अरे हाय, आई नो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रैंडम जंप स्केयर्स नहीं है इसमें, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम फेंकते ही जाओगे मेरे ऊपर। मैं पता है जब तक ये घड़ी कलेक्ट कर रहा हूँ ना सही में बंद कर रहा हूँ मैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डर रहा हूँ, ठीक है, इस बस मेरे को शोर से बच रहा हूँ मैं। सेम जंप स्केयर थोड़ी डराता रहेगा बार बार। अबे तो अलग अलग टाइम है सब में, अब इसमें 9:30 बज रहे हैं, इसका क्या करूँ मैं? इसमें 7:45 बज रहे हैं, ये चाहिए हमें। ओके गिव मी दैट। तो इसमें हमें 7:45 बजाने हैं। ऑलराइट गिव मी दैट। इसमें हमें व्हाट, ये तो सेम ही लग रहे हैं। नहीं हाँ यही तो बजाना है। ओ कुछ खुला क्या? नहीं, इनमें 1:30 बज रहा है। हाँ ठीक है 1:30 बजा दिया, ये वापस ले लो। ओ ये घड़ी देखी थी मैंने, व्हाट ये टाइम चेंज हुआ है क्या? ये घड़ी तो मैं वहां लगा के आ गया। 4:20 हो रहे हैं इसमें। ओके 4:20 और 11:55, ये दो घड़ियां और चाहिए मेरे को। हाँ इसमें 4:20 है। ओके ये तो मिल गई मेरे को, ठीक है नाइस। 4:20 यहाँ पे लगेगी, गिव मी दैट। अब मुझे बस 11:55 चाहिए इसके लिए। अब मैं लो नहीं करूँगा वॉल्यूम, बट स्टिल यार बहुत बहुत रैंडम है ये जंप स्केयर, शोर मचता है, सेम टाइप का जंप स्केयर है। और अबे भाई देखा, ईंटें वीटें गिर, मेरा सर फट जाएगा पागल। क्या यार भाई कितना शोर मच रहा है, कान फट गए पूरे। फक ओ एक ओ, अबे भाई ये रही ना। हाँ मैं इस वाली क्लॉक के बारे में तो भूल ही गया था। यस गिव मी दैट, मैं चला, हो गई पजल। आइयो मत, मैं चांटा मार दूंगा बहुत ही गंदा। ऑल राइट भाई हो गई है सब सॉल्व, कहाँ है मेरी घड़ी की रही? ये अब हम टाइम में पीछे जा रहे हैं आई थिंक। टाइम मशीन, नाइस हो गया, आ गए हम टाइम में पीछे। आई एम होपिंग ऐसा ही हुआ हो, घड़ियां पागल हो रखी हैं भाई। हेलो ओ व्हाट, बंद पड़ा है ये तो।
फोटो खींचनी है क्या मेरे को? ये Give me that. Seems like he never finished this one. कुछ है इसमें लग तो नहीं रहा. इसमें आई थिंक मेरे को वो कांटे लगाने हैं. चलते हैं, होपफुली अब खुल गया हो ये वाला. या 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 ओ हम पास्ट में नहीं आए पर I can't take this anymore. तो मैं क्या करूं भाई अब? My whole body is going numb. Why is this happening to me? अब इसमें मैं क्या कर? ओह व्हाट, दिस मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन और समथिंग. हां कॉम्बिनेशन वो रेड वाले का. ओह आई एम कमिंग. ओ गॉड, अब मैंने वॉल्यूम डाउन नहीं कर रहा ठीक है, वो मेरे को हार्ट अटैक दे देगी. पर यार वो आएगी, देखना. मैं देखना भी नहीं चाहता उसे, जब मर्जी पॉप हो जाएगी स्क्रीन पे कहीं से भी. यहां आएगी शायद, नहीं. ओके जान में जान आई भाई. अभी वो ये डरावनी जाके लास्ट दो एपिसोड में इतना कुछ खास डर नहीं लगा. एक वो बस वो वेल में जब हम गए थे तब डरावनी थी, और अभी उसने ऐसे तैसी कर रखी है मेरी. सो लेफ्ट. अबे ये तो तीन है भाई, ये क्या बात हुई? ये तो कंफ्यूजिंग है काफी. 1 2 3 नहीं, 313 है शायद. नहीं मे बी 9 नहीं 273 है शायद. What the fuck, क्या है? Yes! All right. तो इसका मतलब ये जो फोटो थी ना, इसमें जो एरो पे कलर है उसको भी काउंट करना था. तो पहला जो टर्न था वो 3 नहीं 4 था. 483 ऐसे. आई मीन इवेंचुअली वाली बात थी, सारे तुक्के लगा लिए मैंने पर सॉल्व करके कराए मैंने, तुक्के नहीं मारे. जॉनी बाबू कौन हो आप? जॉनी की मिली है हमें. अब कोई गेट खुल गया होगा. हाँ जंप स्केयर यहाँ पे आती है वो. ओके सेफ. ये यस, एक एक करके गेट खुल रहे हैं वैसे. जॉनी बाबू, ओ गॉड क्या जगह है ये. हाँ सो यहाँ पे मुझे ये कॉन्क्रीट डालना है, इसीलिए मुझे कॉन्क्रीट चाहिए था. इन ऑर्डर टू सेव द बर्ड द रैबिट जम्प्ड इनटू द एयर लीविंग ऑल हर फ्रेंड्स बिहाइंड. द स्नेक बिलो द रैट रिमेन्ड वाइल द शार्क इन द डेप्थ्स दिस प्लान डिजाइंड. व्हाट, मुझे ये रैट का ऊपर उठाना है क्या? ओके सारी चीजें ग्रैब कर लेते हैं पहले तो. ओ मेरे को और कॉन्क्रीट्स चाहिए, ये एक ये रहा. ओके अब ले भाई. इन ऑर्डर टू सेव द बर्ड द रैबिट जंप्ड इनटू द एयर, इसका मतलब रैबिट ऊपर जाएगा. लीविंग ऑल हर फ्रेंड्स बिहाइंड द स्नेक बिलो द रैट रिमेन्ड वाइल द शार्क इन द डेप्थ्स. शार्क और नीचे जाएगी, स्नेक बीच में रहेगा. ये तो ईजी थी पजल, स्नेक बीच में रहेगा. ओ स्नेक पे बड़े वाला आएगा, विच मीन्स ओके शार्क नहीं, शार्क पे सबसे बड़े वाला आएगा. ऑल राइट तो इसे लो पहले, इसे भी लो, एंड देन इस पे सबसे बड़े वाला, क्योंकि शार्क एकदम डेप्थ में रहेगी. गिव मी दैट. चूहा सबसे ऊपर रहेगा एंड स्नेक बीच में रहेगा. ये सबसे पतला है ना, चूहा सबसे ऊपर रहेगा तो ये यहाँ पे, चूहे पे सबसे छोटा. डन. ओ नहीं, व्हाट द फक इज दिस रैबिट? द रैबिट जंप्ड इनटू द एयर लीविंग ऑल हर फ्रेंड्स बिहाइंड द स्नेक बिलो द रैट. ओके शार्क सबसे नीचे, स्नेक चूहे से नीचे. रैबिट 1 चूहा 2. रैबिट 1 आई थिंक, एक में देखते हैं. नहीं ये दोनों बदलेंगे. चूहा सेकंड. वो हो गया,
चल तो रहा है ये, क्योंकि मैं पिक भी नहीं कर पा रहा ना दोबारा। हाँ इसका मतलब सही किया है मैंने, तो हो जा फिर। ओ फोटो खींचनी है क्या? या ब्लू नीज। Ooh, a long, long time ago, there was a creature whose name was unknown. It had always lived alone and was often seen on its own. One freezing, frosty night, it began to feel so very somber that it fell into a 2 day slumber. By the third day, it woke up in blackness with an illness so serious that both its eyes had vanished in the darkness. The creature creeped out of the bed and started crawling, looking for the eyes it knew for sure were rolling. It slithered and rolled so its knees turned blue and sore, since its eyes popped and tumbled both of them as dust crumbled. तो ये ऐसे crawl कर रहा था इसीलिए blue हो गई इसकी knees. It is to this day that it does not have a clue, but that is no excuse to end the pursuit. हाँ तो वो crawl करता ही रहा, हाँ ढूंढता ही रहा. Eyes. Now beware those fleeing eyes and make sure to turn on the lights, for your own sight is at stake if you cannot escape. He is afraid of the light, use something bright for protection. Got it. Ooh. Nice. Oh, change ho gaya scenario. So Hammer? The room is definitely changed. Hi, my name is Johnny. But I think Dad broke this. Oh, photo? जब कुछ ना समझ में आए ना, click a photo. Oh God! ये है वो monster जो intro में था. I mean, मेन गेम के सिनेरियो में. तो ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे को लाइट चाहिए इसीलिए. होल्ड. अरे वाह बढ़िया. आई गेस यही वो गाना है जो उसे सुनाई देता था लेडी को, है ना. सो मुझे कहाँ जाना है? आई डू नॉट नो. द हाउस फील्स लाइक अ मेज. आई एग्री. दिस इज व्हाट ग्रैंडमा वाज रेफरिंग टू इन हर डायरी. वाह भाई गाने सुन लो बस. तो यार वो तो धप्पा करेगा भाई अंधेरों में, नहीं? व्हाट द हेल. इधर जाऊं फिर? ओह गॉड तुम मजाक कर रहे हो. ओ नहीं चलो. हाँ सही है सही है. ये लॉक पड़ा है. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस भाई, मैं क्यों बजा रहा हूं इसे? आई हैव अ न्यू फ्रेंड, हिज नेम इज ब्लू नीज. अबे बावले बेटे मेरे. All over the kitchen. Got it. मुझे किचन पे जाना है. मुझे किचन पे somehow मेरे को वो रास्ता ढूंढना है जो मेरे को किचन पे लेके जाएगा. I don't know कैसे पर. So मुझे इससे हिंट मिलना था बेसिकली कि हाँ भाई तेरे को किचन पे जाना है. ओ आवाजें आ रही हैं. ओके डरा दिया भाई. आ रहा है वो. शेट भाई वो उधर से आ रहा है. शेट भागो. जस्ट कीप रनिंग. वो मेरे को छोड़ देगा ना मेरा पीछा वो, या नहीं? ओ माय गॉड गाना चलाओ. गाने से भागेगा वो आई थिंक. नहीं भागेगा वो. What the fuck भाई कैसे भागेगा फिर ये? लाइट. ओ ही इज अफ्रेड ऑफ लाइट. मैं भूल गया था मुझे कैंडल्स के पास खड़े रहना, इसका मतलब है वो भाग जाएगा फिर. कहां से आ रहा है? ओ गॉड
इधर ही जाना था मेरे को तो। बढ़िया बना रखा भाई ये तो काफी फन है। I mean, डर लग रहा है पर फन भी तो है, डरावना है एक्चुअल में। ऑनेस्टली स्टार्टिंग के बस वो वेल को छोड़ के स्टार्टिंग के दो एपिसोड तो ऐसे ही लगे थे, अरे वैसे ही है वो गेम, लेकिन अब देरी है ये जंप स्केयर एक्चुअल में डरावने वाला। फिर से आवाज हो रही है, शिट लाइट पे हूं मैं। हाँ, व्हाट, मैं लाइट में खड़ा हूँ भाई, पागल है तू? तो कौन सी लाइट की बात हो रही है फिर, लाइक ये वाली घर की लाइट की? भाई ये तो व्हाट, इसी लाइट की बात हो रही है ना, यहाँ पे नहीं आ सकता ना वो तो सारे घर में घूम रहा है ऐसे भाई। ओ आ रहा है वो। ओके, मुझे नहीं पता क्या करना है मुझे। जो मेरे को लास्ट चीज लग रही है वो है मेरा कैमरा फ्लैश। आई थिंक मेरे को फ्लैश मारना है उसके मुंह पे, तभी वो डरेगा, क्योंकि वो घर की लाइटों से नहीं डर रहा है। एंड इधर कुछ भी नहीं है तो हम राइट जाएंगे। आई थिंक इसी घर में कहीं घूमना है मुझे। ओह, इधर भी है। ये हर जगह क्यों रखा हुआ है पर, व्हाट इज द पॉइंट? गाना तो सेम ही आता है ना उसमें। मैं अपना कैमरा रखता हूँ एक्चुअली ना अपने हाथ में, वो बेटर रहेगा भाई। के ओ गॉड, आ रहा है वो, मैं देखता हूँ ना ट्राई करके, पता तो तभी। यस, तेरी मागी आग बैन के टके, मुझे पता था हराम ज्यादा इससे डरेगा वो जरूर। ओ ओ, आ जा बेटा, आ जा, भाग, चल, निकल निकल, पीछे हो। भाई साहब क्लच, अबे पर यार क्लच का भी क्या करें। आई गेस मेरे को और सॉन्ग सुनने चाहिए, वो बीच में कट गया, तो मे बी सॉन्ग्स में ही सारे सीक्रेट छुपे पड़े हैं। ओह गॉड, मरा, कैमरा निकाल। अबे इसमें ये फंसे पड़े हैं। अच्छा तो ये ऑफ करता जा रहा है, वो जानबूझ के बंद कर रहा है ड्रामा। आ रहा है वो आई थिंक। चल ना तेरी, व्हाट, मैंने फोटो खींची, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मेरे भाई? वेयर इज द फ्रिकिंग किचन? भाई ये कई बार काम ही नहीं करता। ओ आंखें है वो, व्हाट, ह्यूमन आई, मुझे आंख चाहिए थी, वो आंखों से ब्लॉक कर रहा था इसे। ऑल राइट, इसमें भी भाई फिर नहीं, सो आई गेस मेरे को मुझे इसीलिए सारे चला के देखने थे, फिर ये आंख, मेरे को दो आंखें चाहिए, तो ये हिंट था। मैं किचन ढूंढने लग रहा हूँ तब से, व्हाट द फक, इन्होंने गाने में यार किचन डाला हुआ था, मुझे लगा वही चाहिए मेरे को। नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, तो यार जो चलना होगा उसे चला दूंगा, वरना किसी ना किसी में तो आँख डाली होगी इसने। ऑल राइट, अभी चलाते हैं। अब तो बाढ़ गया वो। ओके, इसने इसमें भी फंसा दिया एंड मेरे को आंख भी मिल गई। यस, देखो हमारा दादा कह रहा था कि कैमरे को फेंक दे वरना तेरी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी, और ये कैमरा ही अब मेरे को बचा रहा है, देख रहे हो। द क्वेश्चन इज, क्या हमने कर दिखाया? क्योंकि किचन तो मुझे अभी भी नहीं मिला है, पर इधर यस, आंख डालनी है मुझे। So grandma wasn't sick at all. This thing is what really killed her. भाई ये किचन से उन्होंने कंफ्यूज कर दिया गाने में किचन डाल के ना।
ओह शिट, डराएगा भाई। डरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से निकलेगा क्या भाई तू? सीन क्या है? ओह इधर फोटो। डराएगा अब, डराएगा। लगा ही था मुझे। आई मीन एक्सपेक्टेड था, पर शोर से डरेगा तो सही बंदा। चलो भाई, उसे उसकी प्रिटी आंखें मिल गई, अब उसने छोड़ दिया होगा मुझे मे बी। ओ गॉड, व्हाट इज हैपनिंग भाई? उसे मैंने उसकी आंखें दे दी यार, छोड़ दे मुझे। वो मॉन्स्टर हमारे पीछे ही से नहीं तो पड़ा था, उसकी आंखें चोरी हो गई थी। ओह गॉड, ऑल राइट, उधर नहीं जाना। ये बंदा, ये सब हेलुसिनेट। ओ किचन तक ले जा रही है आई थिंक वो, जो भी है मेडिसिन है क्या तू? अरे वाह, डर ही गए हम तो। हेलो, किचन में है क्या? वेट, आई डोंट थिंक मैं यहाँ पे आना है। ओह, मुझे उस चेयर पे जाना है वापस, समझा। पहुंच गए भाई, बताओ क्या काम है? चेयर पे बैठ जाऊं मैं? पासवर्ड तो पता ही नहीं है पर मुझे। ओह वेट, ये पासवर्ड है क्या? क्योंकि मेरे को एक एक करके नंबर मिले हैं ना, 7 या पासवर्ड ही है आई थिंक। 3 8 8 3 7 4 इज द पासवर्ड। 8 ओ, ये तो खुली गया अपने आप। कौन है भाई ड्राम? अबे एशेज हैं ये तो। ओके, यही रह गया था बस। एलिजाबेथ मैक्सवेल, ओह ये ग्रैंडमा के एशेज हैं। ओके सो और क्या फिर? Give me the ashes, please. Oh, Dad's head. The hanged son. Oh, मेरा हेड की बात हो रही है। Oh, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे रखना है। What? मैं बार-बार लटकने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ और? भाई एशेस तो नीचे गिर गई, अब डैड का हेड चाहिए। आई मीन इससे यू नो हिंट तो यही मिल रहा है कि मेरे को लटकना है। लाइक व्हाट, बाहर जा सकता हूँ मैं? नहीं, सीन तो यहीं का है फिर। कोई कैमरा निकाल नहीं सकता मैं। ओ अच्छा, कैमरा, व्हाट, पता कैसे चले भाई? ओ जादू, I guess time आ गया है। All right. Yeah.
लटक ही गया है तो भाई। ओ, मुझे कुछ करना है क्या? लग तो नहीं रहा। ओ व्हाट, क्या करा उसने? मेरी ग्रैंडमा थी क्या वो? ओके नाइस, दैट्स इट। मेरे को एक्टिंग करनी थी लटकने की, मरना भी नहीं था सही से। ओके बड़ी स्लो प्रोसेस है यार, मेरे को उतरने ही नहीं दे रहा भाई तू। या फिर मैं लटक गया, लाइक ऑब्वियसली लटक ही गया होगा, ये जिंदा थोड़ी होगा क्योंकि चेयर तो गिर चुकी थी। वाह ओके तो जिंदा कैसे अभी भी? स्टोरी में मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आई थिंक जो लेडी बार बार मुझे जंप स्केयर कर रही थी ना, वो हमारी ग्रैनी थी। वो हमें ये मैस जब जो भी चीजें हो रही थी ना, उनको खत्म करने का रास्ता दिखा रही थी, तभी तो हर जगह आने लग रही थी वो। ऑलराइट गाइस, ये थी मेडिसिन। मुझे बताओ तुम लोगों को कैसी लगी स्टोरी और स्पेशली जंप स्केयर्स। आई मीन मुझे बीच में लगने लगा था इतना कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन इन द एंड बहुत अच्छे जंप स्केयर्स डाले हुए थे। वो रैंडम जंप स्केयर्स थोड़ी देर बाद अनोइंग लगने लग जाते हैं, लेकिन डरावने तो थे ही भाई। इन्होंने बहुत अच्छा साउंड का यूज किया है, कानों में बूम बूम बम फट रहे थे बिल्कुल। अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद आई है तो डेफिनेटली ड्रॉप अ लाइक इस वीडियो पे, और मुझे बताओ तुम लोगों को कितना डर लगा था ये गेम खेलते हुए, अगर खेली है तो। बाकी सजेस्ट मी सम मोर हॉरर गेम्स जो तुम लोग मुझे खेलते हुए देखना चाहते हो तो। और अगर इस वीडियो पे कोई गोल सेट करते हैं, 3-4 लाख लाइक्स हो गए तो आई विल प्ले दोज गेम्स। बाकी मैं चला, goodbye.